सभी को नमस्ते, वेलकम वेलकम। और सभी मास्टर जो जुड़े हैं और जो बाद में यूट्यूब में देखेंगे, उन सभी को जो ये हमारी सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं घरों में, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब देखिए, अभी पटाखा फूटा जैसे ही मैंने ऐसे बोला, सभी को त्योहार की जो तैयारी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे तैयारी शुरू कर रही हूँ। हाँ, तो हम ये 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो किताब है उसी को आज थोड़ा सा, क्योंकि आज शायद 11 एपिसोड्स 11 सेशंस हो गए हैं और सभी जो मास्टर्स हैं आकर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी तरह से आनंद करुणेश जी की ये किताब जो है, और तीन तीनों देवियां जो हैं, डिवाइन गॉडेसेस, उन उन्होंने जो जो कहा है उसको बहुत अच्छी तरह से बहुत सरल भाषा में समझाया है। फिर भी क्योंकि इतने सेशंस हो गए हैं तो मुझे लगा कि मैं फिर से एक किस्म से समराइज भी कर दूं और फिर हम आगे भी बढ़ें। तो इस किताब में प्राइमरीली क्या कहा गया है, अगर पूरी किताब देखी जाए तो ये है कि ये समय आ गया है धरती पर जहां पर कि हमारे पास फ्री विल है, जहां पर डुअलिटी है यानी द्वंद है, दो दो चीजें होती हैं, सुबह शाम, ऋतुओं में परिवर्तन, मेल फीमेल, इस तरह के जो ड्यूअलिटी होती है, नेचर में भी ड्यूअलिटी होती है और हम में भी, मतलब इमोशंस कभी ऊपर नीचे, ये फ्री विल का जो ये नेचर है, जो ये तरीका है एक्सेंशन का, तो एक्सेंशन के कई तरीके होते हैं। आपने हमने एनिमल्स के बारे में सुना है कि एनिमल्स में जो होती है ग्रुप एनर्जी होती है, तो कोई भी जो जानकारी होती है वो, या जो भी एसेंशन होता है वो ग्रुप से होता है। लगातार पटाखे फूट रहे हैं, आप लोग को सुनाई दे रहे होंगे, ग्रुप के माध्यम से होता है। लेकिन मनुष्य में जो ये वाला जो एसेंशन का तरीका है, वो जो तरीका है वो हमारी फ्री विल से तरीका है और उसमें हम अपने इमोशंस पर काम कर सकते हैं, अपने माइंड पर काम कर सकते हैं और इस तरह से हम आगे एसेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं, या आगे की तल, या जो तल हमें अभी तक, हम जहां तक पहुंचे नहीं है, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, उन तलों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये इस किताब में एक किस्म से कहानियों के रूप में, देवियों के अवतारों के रूप में, पहले जो असेंशन हुए, जिन देवी दिव्यात्माओं के जो असेंशन हुए उनकी कहानियां, उन लोगों की किस तरह की कहानियां हैं, किस तरह उन्होंने चक्र एक्टिवेट किए, इस तरह के कहानियां हमने यहाँ पर पढ़ी हैं और आगे भी शायद इस हफ्ते या दिवाली के बाद तक भी हम इसी किताब के कुछ सेशंस ले सकते हैं। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा, मतलब शुरुआत के कुछ सेशंस में, कि एम्प्टीनेस क्या होता है, शून्यता, अर्थात कि सभी, जैसे हम हैं, मनुष्य है, चाहे कुछ भी है, हम मनुष्य जो हैं एक एम्प्टीनेस या शून्यता से आए हैं, या ब्रह्मांड की भी जो संरचना हुई है वो शून्यता से हुई है और वो शून्यता हम में अभी भी उपस्थित है। हम कहते हैं ना कि भगवान हम में भी हैं, पत्री जी कहते हैं कि यू आर गॉड, वी आर मास्टर्स, तो वो शून्यता हम में भी अभी भी है, लेकिन वो इतनी इस ड्यूअल नेचर या इस तरह के जो हमारे मन बुद्धि और जो हमारे इमोशंस में जो भी हमारे होते हैं उसमें, उससे हम उस शून्यता को छू नहीं पाते या उसे एकदम से समझ नहीं पाते। हम मतलब इस तरह से है कि हम उस मछली की तरह हैं कि जो पानी ही ढूंढ रही है और पानी में भी है, इस तरह से इसकी एक मतलब एग्जाम्पल की तरह से हम समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हमें चक्रों के बारे में भी बताया गया है कि ये जो दिव्यात्मा है उनमें और भी कोई तरीका होगा, लेकिन उन्होंने अपने चक्रों पर, यानी कि बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र पर, और एक बार रीटा मैम ने जो, उन्होंने जो अध्याय लिए थे चैप्टर, उन्होंने ये बताया था कि कैसे अरिहंत और किस तरह से 4, 5, 6 जो चक्र होते हैं उनको एक्टिवेट करके किस तरह से गौतम बुद्ध एक दिव्यात एनलाइटेंड आत्मा बन गए थे, और उन्होंने फिर जब एनलाइटेंड टीचर होते हैं वे बाकी लोगों को एनलाइटनमेंट में या चक्रों की को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। ये भी हम अभी पिछले बार भी हमने ये फर्स्ट उसमें पढ़ा था और आगे भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र आता रहेगा। इसके अलावा हमने सीता जी की
जो है सीता जी के जो जन्म है, मतलब देवियों के जो जन्म है, कृष्ण जी का जो जन्म है या राम जी का जो जन्म है, उनके बारे में भी उनके द्वारा, मतलब जो सामान्य जो भी नॉलेज है, जो भी कहानियां हैं, उसके अलावा हमने उनके मुंह से उन के जन्मों के बारे में, उन्होंने किस तरह से फीमेल होते हुए, एक मेल होते हुए किस तरह उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और यहाँ पर मनुष्य रूप में आकर उन्होंने मनुष्य भी रहे और अपनी एक्सटेंशन को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो फिजिकल रूप में हम रहते हैं और हम एक, जैसे कि एक अंश जो हमारा, मतलब जो डिवाइन, हम भी डिवाइन बीइंग हैं, एक हर एक मनुष्य। तो हम अपने हायर सेल्फ को किस तरह से हम सपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, उसके साथ कैसे हम संपर्क बना सकते हैं, ये सब भी इस किताब में आता रहेगा, इसके डिस्कशन होती रहेगी। अब शुरुआत में ये फेमिनिन और मैस्कुलिन के बारे में भी, मतलब ये बीच में आया था मैस्कुलिन फेमिनिन, उसके बारे में ये हम, मतलब बिल्कुल समराइज, वैसे तो विस्तृत वहां पर बताया गया है, लेकिन इसको हम समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो मैस्कुलिन होता है वो मतलब एक किस्म से उसमें गिविंग की भावना जो है वो कम रहती है, और फेमिनिन में गिविंग की भावना ज्यादा रहती है, या फेमिनिन में जो है अंतर्मुखी होने की, इंट्रोवर्ट, अंदर जाने की भावना होती है, अंदर जाने का मन होता है, और मैस्कुलिनिटी में बाहर जाने का मन होता है। तो या उनकी जो मोटिवेशन रहती है वो बाहर जाने की होती है। तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये सिर्फ समझने के लिए, शब्दों में समझने के लिए इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये, इसमें हमने ये भी देखा कि पहले जो थे ये फीमेल जो मेट्रियार्की थी वही ऊपर, मतलब वही प्रचलित थी, अर्थात कि स्त्री शक्ति पहले की शक्ति पहले, या कुछ चैप्टर्स रह भी गए हैं तो इन चैप्टर्स में बीच में जो रह गए हैं उनमें ये आया है, बाकी वो भी कवर करेंगे, पर स्पीकर्स हमें ये बताते रहे हैं कि मैट्रीआर्की जब थी तो एक किस्म का हमारा, एक किस्म की सृष्टि थी, और मैस्कुलिनिटी कई सालों से आई, मतलब या मैस्कुलिन या पैट्रियार्की जिसे कहते हैं, जिसमें मेल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे सामने आया। तो ये हम, इसको हमने उनकी नेगेटिव वाली चीजों पर भी हमने डिस्कशन किया, और पॉजिटिव चीजें भी है कि भाई जो भी कॉन्शियसनेस होती है या एसेंशन होता है, उसे देवी ने एक जगह पर, यहाँ पर एक कहा था कि वो क्रिएटर भी है और क्रिएट भी कर सकती है, अर्थात कि वो जो देवी है, शायद अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले ये जो सेशन में हमें बताया गया था कि हम मतलब जो देवी है यानी जो एसेंटेड हो चुके हैं, उसमें ना मेल रह जाता ना फीमेल रह जाता, वो एक्सप्रेस अपने आप को फीमेल की तरह करते हैं या मेल की तरह करते हैं। तो इसी तरह मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी में कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, वो हमें एसेंशन के लिए दोनों ही, फेमिनिन रूप को भी जीना पड़ेगा, मैस्कुलिन रूप को भी जीना पड़ेगा, अर्थात कि बाहर जाकर हमें एक्सपेंशन की तरफ भी हमें समझ में आना पड़ेगा, हमें समझना है, और अंदर जाके, अपने भीतर जाके भी हमें समझने की जरूरत है। तो जो कालखंड में, जिस एरा में हम पैदा हुए हैं या अभी आ रहे हैं, उसमें फेमिनिटी एक किस्म से उसका पुनर्जीवन उसको मिल रहा है, या फेमिनिन आइडिया उसको पुनर, उसकी पुनर्स्थापना हो रही है किस्म से, वो इसके लिए कि वो, और वो भी एक फेजेस में, कि मैस्कुलिन जब पेट्रियार्की रही तो काफी एक्सपेंशन, इन्वेंशंस, गोइंग आउटवर्ड्स, यू नो लाइक गो गेटर, ये वाली फीलिंग काफी रही, और इससे कितना डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में। अगर मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से या जूम के माध्यम से आपके साथ बात कर पा रही हूँ, तो वो भी एक किस्म से इन्वेंशन, जो कि एक मैस्कुलिन नेचर है इन्वेंट करने का, वो उसके जरिए हमें प्राप्त हुआ है। कई पहले, मतलब भुखमरी या लोगों के पास खाना नहीं था, अभी भी लोगों के पास, कई लोगों के पास खाना नहीं है, पर जबकि 7 7 बिलियन से भी अधिक जनसंख्या हो गई है दुनिया पृथ्वी पर, फिर भी बहुत सारे लोगों को बनिस्पत पहले काफी लोगों को खाना उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह दोनों ही का समावेश एक एसेंशन में काम आता है, या काम हमें दोनों ही तरफ
समझना पड़ता है, जीना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये भी इस किताब में हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो ये तो हो गई छोटी मोटी समरी। अब हम अगर कोई अपनी भी कोई बात कहना चाहता है तो जरूर रखें कि अभी तक हमने किताब में क्या समझा, क्या हमें अच्छा लगा, वो भी हम बाद में, या अभी भी कोई अगर अनम्यूट करके कुछ कहना चाहे तो जरूर कह सकता है। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैंने ये समराइज कर दिया। तो जो ये एम्प्टीनेस है, और इस एम्प्टी यहीं से शुरू करते हैं जो पहला खंड है इसका, कि जो एम्प्टीनेस है वो इतना अथाह है, उसमें से कुछ कुछ चीजें जो है वहां पर से उनका निर्माण हुआ है, और वो निर्माण जो है उसमें डुअलिटी है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। उस डुअल नेचर में या द्वंद्व में एक चीज और भी आती है कि हमारी भावनाएं। तो ये भी मैं इसको दोहरा रही हूँ, मैंने ये लिया था पहले भी, कि जो जो हमारी फीलिंग्स हैं वो भी एक किस्म से हमारे स्वप्न की तरह है, अर्थात कि जो हमारे शरीर में संवेदना होती है वो संवेदना भी एक किस्म से हमारे जो ड्रीम की तरह है, अर्थात कि वो ऊपर होती है, मतलब हमें इमोशन फील होता है फिर कम हो जाती है, तो वो भी एक एक प्रकार का ड्रीम ही है। तो हमें ना अपनी फीलिंग्स को से भी, अगर फीलिंग्स को फील करते रहें फीलिंग्स, तो हमारी जो एक किस्म से इमोशनल बॉडी है वो क्लियर हो जाएगी, और उस तरह से हमारे चक्र भी एक्टिवेट हो सकते हैं, एंड वी कैन अवेकन आवरसेल्व्स टू फील दैट एम्प्टीनेस। तो जो भी ये डुअल नेचर है, ये बॉडी हमें मिली हुई है, चाहे वो मेंटल एक तरीका होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, कि हम हर प्रश्न प्रश्न पूछते रहें, जो कि हम मेंटल लेवल पे जब हम काम करते हैं, तो उस तरह से भी जब नहीं इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये नहीं, वो भी करते रहें, मेंटल लेवल पे काम करते रहें, तब भी हम एम्प्टीनेस तक या शून्यता तक या एसेंशन तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह फीलिंग्स को भी हम पूरी तरह से या तो महसूस कर लें या उसको समझ लें कि ये ड्रीम है या एक सिर्फ ये अभी है और अभी नहीं है, इस तरह की इसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है वो भी समझ लें पूरी तरह से, तब भी हम एसेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर, चक्रों के बारे में और भी जो आगे के चैप्टर्स हैं, आगे के स्पीकर्स या आगे के सेशंस में हम जरूर समझेंगे। तो आज थोड़ा बहुत फिर से फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर का जो सार है वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसमें हम ये भी आया था पिछले एक चैप्टर में कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम हर तरीके से बढ़ सकते हैं, कि हम अपने मतलब ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, जो ब्रेथ कंट्रोल है, या विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, इन सभी के द्वारा जो है उस एम्प्टीनेस तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो डीपेस्ट लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो हम है कब प्राप्त होगी, जब हम अपने इस माइंड को एक किस्म से डिसॉल्व कर लेंगे, या ये नहीं के बराबर, इस लेयर को हम या तो क्लीन कर लेंगे, हील कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। तो शब्दों का खेल है, पर समझना ये है कि इन इन सभी चीजों को हम अपने डुअल नेचर या जिस पृथ्वी पर हम आए हैं उसका एक एग्जाम्पल समझ के इस पर काम करने की आवश्यकता है। उस काम करने से ही हमारे चक्र जो है वो एक किस्म से ओपन होते हैं, क्लीन होते हैं, हील होते हैं, और हम अपने एक्सटेंशन के रास्ते पे चलते रहते हैं। तो फर्स्ट, ये भी मैं पीछे आ चुका है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड चक्र पे काम करने की आवश्यकता होती है, और आगे एक चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो हमें मणिपूरक चक्र से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो मध्य में है, बीच में है, और वहां से उसकी जो तरंगे हैं उस पर जो उसकी जो तरंगे हैं वो फिर नीचे वाले चक्रों में भी और ऊपर वाले चक्रों में भी पहुंचता है, और इसी तरह जो असेंडेड मास्टर्स हैं उन्होंने इस पर काम करके वे असेंड हुए हैं। तो ये एक किस्म से सार सा है जो अभी तक हुआ है। और तो हम ये समझे कि सोल और फीलिंग्स के बारे में दोबारा से हम समझते हैं चौथे अध्याय में, कि आनंद करनेश जी पूछते हैं कि हमारा जो ये इमोशनल पेन है, यानी कि जो हमारी ये जो संवेदनाएं हैं वो हमें सुख तो देती हैं पर दुख भी अनेक देती हैं,
वो हमें मतलब उनको ये जो हमारी मत, और वो नॉन स्टॉप चलती रहती हैं, तो उसको हम डिसॉल्व कैसे करें, यहाँ से ये प्रश्न शुरू होता है। तो वो देवी बोलती हैं कि ये ना हमारे जो थॉट्स हैं या इमोशंस हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो एक किस्म से हमारे जो एम्प्टीनेस तक पहुंचने के लिए एक किस्म से हम वीड की तरह हैं, यानी कि जो खर पतवार जो भी हो जाता है खेतों में, यानी कि वो पूरी तरह से हमें जो जो भी एनर्जी है वो पहुंचती नहीं है, या पानी को, जो भी हमारा पानी है या हम जो इंडिविजुअल है उस पानी को वो खराब कर रही है, यानी कि उसमें उस एनर्जी को ड्रेन आउट कर रही है। तो दोनों से ही समझ सकते हैं कि वीड की तरह है हमारे इमोशंस, और ये जो पीछे आगे हम जाते रहते हैं। तो हम जब ये हम जब इन इमोशंस से दूर होते हैं मेडिटेशन में, चाहे हम नेचर में बैठ के इन सारे जो दुख या दर्द या जॉय से जब हम दूर होते हैं, तो एक किस्म से वो प्राइमोर्डियल या जो हम कहते हैं कि अलौकिक आनंद को अनुभूति कर सकते हैं। तो ये फिर इसी इसी चैप्टर में ये आता है कि फिर ये पहले कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था, देवी कहती है कि कहीं से भी शुरू हो सकता है, हो सकता है कि ये पहले जन्मों से भी हो सकता है, या हमारे कोई भी हमने कुछ सुना हो, देखा हो, इवन इस जन्म के चाइल्डहुड में अगर हमने कुछ देखा हो, या टीनेज में जब भी हमारे मतलब अभी से पहले, तो वो हमारी एक किस्म से ये वीड या खर पतवार की तरह बैठ जाती हैं, और लोअर दोनों चक्र जो हमारे मूलाधार है या स्वादिष्ठान है उनको क्लोज कर देती हैं, उनको सही तरीके से देखने में अवरुद्ध कर देती हैं वीड की तरह। वो मतलब खाली मतलब वो सही तरीके से हम किसी चीज को देखते नहीं है। तो ये जो ईगो जो है, फिर वो वहां पर हमारे मणिपूरक चक्र या थर्ड चक्र पे मैनिफेस्ट होती है एक ईगो की तरह, जो भी हमारे एक किस्म से हमारे इमोशंस या इनसिक्योरिटीज स्वादिष्ठान और मूल धारा पर एक किस्म से परत बनकर रह गई हैं, वो हमारे थर्ड चक्र पर ईगो बनकर उपजती हैं, या वो हमारे सामने जो आती हैं लोगों को हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें ईगो आ गई है, या हम में भी जब ईगो आ जाती है कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रही हूँ, वो फिर वहां पर मणिपूरक चक्र में वह एक इमोशन की तरह, ईगो की तरह, एंगर की तरह सामने प्रस्तुत होता है। और हमारे कोई भी जो हम डिसीजन लेते हैं, कोई जजमेंट करते हैं, या हमारे सामने आने वाले कोई भी जो सिचुएशंस हैं, वहां पर हम सही से निर्णय नहीं ले पाते, या हमारे जो बिलीफ सिस्टम में या हमारे मन में जो भी एक किस्म का खर पतवार की तरह बिलीफ सिस्टम आइडेंटिटी में ईगो की तरह वो एक परत बनकर या बनकर रह जाता है। तो वो फिर करुणे जी बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि टीचर्स कहते हैं कि ईगो तो बस एक थॉट ही है, यानी कि ईगो तो केवल एक एक थॉट है, उसको तो हम मतलब आराम से उस पे उसके बाहर जा सकते हैं, उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो थॉट और ईगो किस तरह का इमोशन है? तो वो कहते हैं कि जो थॉट है वो एक इस तरह के मतलब बर्ताव को जन्म देता है, जो कि एक किस्म का एक पैटर्न सा बन जाता है, यानी कि हमारे जो थॉट, जो भी हमारे सोचने का तरीका है या बिलीफ सिस्टम है, वो एक पैटर्न, एक सर्कुलर थॉट की तरह बन जाता है, और हम उसी में बंधे रह जाते हैं। तो कोई एक थॉट या कोई एक बिलीफ सिस्टम नहीं, ये जो एक किस्म का जंजाल सा वीड तो एक होती है, लेकिन अगर पूरा तालाब अगर आपने देखा होगा, अगर काई से जम गया है, तो वो फिर इस तरह का सर्कुलर सर्कुलर थॉट हो जाता है, और उसको ईगो कहते हैं। वो सिर्फ एक ही थॉट नहीं हो रहता, फिर वो अपने साथ कई और चीजों को एक किस्म से बांध लेता है, जोड़ लेता है, और इस तरह वो जकड़ लेता है एक किस्म से, और वो हमारी आइडेंटिटी को एक किस्म से एक नया ही रूप दे देता है, जिसमें कि हम या तो इनसिक्योर हो जाते हैं, या तो हम में कुछ खास किस्म का एक
नेगेटिव ईगो आ जाएगा कि मैं मतलब, या पॉजिटिव ईगो मतलब एक किस्म का नेगेटिव ईगो कि हम मेरे जो भी मैंने अभी तक उदाहरण दिए थे कि आई एम बिग या आई एम स्मॉल, इस तरह के ईगो की तरह आ जाता है। और तब हम इस दुनिया के जो भी घटनाक्रम है या हमारे आसपास के घटनाक्रम को हम फिर उस वाले दिमाग से जो कि एक किस्म से खरपतवार वीड से घिरा हुआ है या इस सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पैटर्न के थॉट्स में बंधा हुआ है उससे देखते हैं। तो और हम उस एक अलौकिक आनंद तक पहुंचने में, चाहे वो ध्यान के द्वारा हो, उसको पहुंचने में हम मतलब हमें देर लगती है या हम पहुंच नहीं पाते हैं, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो तब हमारे इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस, हमारे मतलब ये कहाँ पर और कहाँ पर बिलीफ सिस्टम कहाँ कहाँ पर दिखाई देगी कि हमारे इंटरडिपेंडेंट जो रिलेशन है, मतलब जहाँ पर हमें हमें ऐसा लगता है कि हम बस यह व्यक्ति नहीं होगा या ये रिलेशनशिप नहीं होगा, चाहे वो हमारे परिवार का हो या कोई मतलब छोड़ के चला गया, मतलब हमारे सामने है या नहीं है, या हमारे किसी चीज को पोजेसिव करने की जो पोजेस करने की जो एक भावना होती है, चाहे हमारे जल एनवी हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, इन सब चीजों में ये दिखाई देती है। तो एक किस्म से, और यही अगर पूरे मतलब इसका जो विराट रूप है वो फिर वायलेंस के रूप में उभरता है, कम्युनिटी वायलेंस, कंट्री टू कंट्री फाइटिंग या इस तरह के चीजों में हम देखते हैं। तो ये फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कहने का अर्थ है जो मैं समझी हूँ, जो देवी माँ समझा रही है कि ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो फिर मतलब ये फिर आनंद करुणेश जी बोलते हैं, तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा? तो ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा, तो उनका उत्तर जो देदी का आता है, फियर इज ऑपोजिट ऑफ लव, यानी कि मोस्ट इट इज द मोस्ट बेसिक नेगेटिव इमोशन। यानी कि जब हम एक एक चीज को, अगर मुझे डर लग रहा है, पहले तो यही बात समझना कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं ईगो में आ गई हूँ, ये भी बड़ी बात होती है समझ लेना। लेकिन फियर इज, और उसके नेक्स्ट होता है कि हम ये समझ ले कि उसका ऑपोजिट क्या है। अगर मैं डर रही हूँ तो शायद मुझ में मतलब ऑपोजिट ऑफ लव यानी कंपैशन, अफेक्शन वाली बात की कमी है। तो ये फियर हैज टू बी फेल्ट एज अ बॉडी सेंसेशन विद द अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये वैसे हम जब आनापान सती ध्यान कहते हैं तो तब हम सिर्फ सांस पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर देवी माँ ये कह रही है कि हमें अपनी फीलिंग्स जो हम फील कर रहे हैं, जहां पर हम डर बैठा हुआ है या जो भी इस तरह का, जो भी अभी मैंने कहा कि ईर्ष्या है या लो कॉन्फिडेंस हाई कॉन्फिडेंस जो भी है जिससे हमें तकलीफ हो रही है, या हमारे को कुछ हमारे अंदर कुछ एम्प्टीनेस आ गई है जो हमें लगता है कि हम उससे नहीं रह पाएंगे, मतलब जो हमें छोड़ के चले गए हैं, जो रिलेशनशिप पनप नहीं पाए, तो उस फियर उस फीलिंग को ब्रेथ द्वारा हमें पूरी तरह से समझना है या उसकी गहराई में पहुंचना है, तब वह डिसॉल्व होने हो होगी या उसे एक्सेप्ट करना है। तो मुझे लगता है ये बातें हमने पहले भी देखी हैं, पर ये दोबारा शायद हमें दोबारा दोबारा, या तो मैंने पता नहीं किस तरह से ये कह दी, पर ये फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में हमें यहाँ पर समझाई गई है। तो वो फिर यहाँ पर एक ट्रिनिटी की भी बात हुई थी पहले और सेकेंड, नहीं सेकेंड वाले सेशन में, तो जो त्रिमूर्ति है यानी कि वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी त्रिमूर्ति के बारे में भी कहा गया था। क्रिश्चियनिटी में भी गॉड सन और इस तरह की भी ट्रिनिटी के बारे में डिस्कशन हुई थी थर्ड चैप्टर में। तो उस तो अभी करुणेश जी बोल रहे हैं, तो बॉडी सेंसेशन यानी कि जो अनुभूति होती है हमारे शरीर में और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, अनुभव फीलिंग्स होते हैं, अनुभूति होती है, और एम्प्टीनेस यानी कि सेंसेशन फीलिंग्स और जो एम्प्टीनेस है जहाँ से हम आए हैं, वो तीनों ही एक किस्म से त्रिगुण रूप में या ट्रिनिटी या ग्रुप में हम समझ सकते हैं।
वो देवी माँ कहती है, तो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछते हैं आनंद करणी जी, तो देवी माँ कहती है बिल्कुल सही, आपने सही समझा कि पॉजिटिव इमोशन जो है वो आपने बिल्कुल सही समझा। फिर वो आगे बताती है कि जो पॉजिटिव इमोशन है यानी जो हमें वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो जो हमारे माइंड में माइंड के कंटेंट को एक किस्म से हमें मिल जाते हैं तब सोल फीलिंग द्वारा, यानी कि जो हम जो पॉजिटिव फीलिंग है जॉय है वो फियर के साथ जुड़ जाता है, अलौकिक प्रेम जो है हमारे किसी और अन्य जो नेगेटिव इमोशंस है उसके साथ जुड़ जाता है, तब हम उस सोल फीलिंग को या जो भी अलौकिक जो आनंद है उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सेंसेशन द्वारा फीलिंग्स द्वारा उसको पूरी तरह सांसों के साथ उस तक पहुंचने के द्वारा, ये विपासना में ज्यादा समझाया जाता है इसके बारे में, तब हम उसको डिजोल्व कर पाते हैं और उसको या तो उसको सही तरीके से देख पाते हैं। तो आनंद करुणे जी यहाँ पर बोलते हैं कि ये सिर्फ ब्रेथ के द्वारा ही होगा या कोई अन्य रास्ता भी है, तो क्या फेथ फेथ से होगा, यानी कि हम जब किसी पर बहुत विश्वास कर लेते हैं, फेथ का कोई और भी वर्ड होगा पर विश्वास फेथ, तो देवी माँ कहती है बिल्कुल हाँ क्यों नहीं, हम उस पर जो भी हमारा प्रश्न है कौन से शरीर के कौन से हिस्से में क्या हमें मतलब महसूस हो रहा है, क्या हमें महसूस हो रहा है, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है कहीं पर मतलब स्टिफ है कि क्या है, ये सब अगर हम महसूस करें अपनी आंखें बंद करके, यानी कि एक प्रकार का मेडिटेशन ही सही इसको, वो विपाशना वाम में विपाशना कहते हैं, आनापानसती ध्यान सिर्फ सांस के साथ होती है लेकिन यहाँ पर बॉडी सेंसेशंस पे ध्यान करने के लिए कि कौन सी फीलिंग कहाँ पर है वहां पर देवी माँ उसका उत्तर दे रही है। तो वो कह रहे हैं, तो देवी माँ कहती है कि उन मतलब सेंसेशन को फील किया जा सकता है और ये सेंसेशन जो है वो हमारे कोई भी जो छुपी हुई ईगो है या जो हमें बिल्कुल कॉन्शियसनेस भी नहीं है उसको भी वो एक किस्म से जॉय में या जो भी हमारा मतलब अलौकिक जो जो आनंद है उसमें परिवर्तित कर देती है जब हम उसको पूरी तरह महसूस करते हैं। तो विश्वास करते रहने में भी मतलब एक फेथ के साथ भी हम ये वाला जो डिसॉल्व कर सकते हैं अपने जो भी वीड बन गए हैं या जो भी हमारे नकारात्मक इमोशंस से बन गए हैं, तो मतलब ये कहते हैं मतलब जो ये कहने का अर्थ है, तो हम मेंटली क्वेश्चन करके भी पहुंच सकते हैं उस एम्प्टीनेस तक और फीलिंग्स से भी पहुंच सकते हैं उस प्राइमर्डियल जॉय या अलौकिक आनंद तक। तो उसमें सरेंडरेंस यानी कि सरेंडर होना, फेथ होना ये भी शामिल है, ध्यान के अलावा ये भी शामिल है और उस पर क्वेश्चन करना वो भी शामिल है। तो रिलीजन जब तो वो फिर आनंद करने जी ये चौथे चैप्टर में ये भी पूछते हैं कि जो हमारे धर्म है उसमें भी तो एक किस्म के विश्वास पर ही बात होती है, तो देवी माँ कहती हैं कि हर जो एक किस्म का जो धर्म में जो विश्वास बताया जाता है वो जब वो मतलब जब उन जब वो ओरिजिन हुआ था तब वो बिल्कुल पवित्र थे लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कई चीजें जो है भर दी गई हैं या मिलावट हो गई है, इसलिए वहां पर से जो धार्मिक जो फेथ है वो थोड़ा सा अलग है। तो बेसिकली बात यह है चाहे हम कोई भी मतलब धर्म भी यही बता रहा है कि हम विश्वास करें और सरेंडर करें या मेडिटेशन द्वारा ध्यान मतलब दूसरा तरीका बताया गया है कि हम आंखें बंद कर उस सेंसेशन को पूरी तरह अपने शरीर में महसूस करें तब हम उस एम्प्टीनेस तक पहुंच सकते हैं। तो आनंद करुणे जी बहुत मतलब एक तो खुश हो जाते हैं तो और ये कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छा एक आपने तरीका बताया। तो इसके बाद हम ये पूछते हैं कि जॉय ऑफ फिफ्थ चैप्टर्स में से भी मैं कुछ लेना चाहूंगी, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो होती है कि
देवी माँ सरस्वती से ये बातें हो रही हैं, मतलब 5th चैप्टर में। तो सरस्वती जी बोल रही हैं, ये शायद मैंने ही पहले कहीं पर बताया हुआ है कि जो है कि देवी माँ जो है वो पहले ब्रह्मा जी के पास वेदांत आया था, जो 4 वेद हैं, और वेदांत जो है वो फिर सरस्वती माँ ने आगे उनको उसको बढ़ाया। तो वो फिर वेदांत के बारे में भी आगे पूछते हैं कि सरस्वती माँ आप क्या वेदांत के बारे में और कुछ बता सकती हैं। तो वो कहती हैं कि ब्रह्मा जी और हाँ, सो आई वॉज बोथ गायत्री एंड सरस्वती इन दैट इनकार्नेशन। तो ये एक मिनट, थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गई। तो खैर, ये कलयुग के बारे में बात हो रही है, कलयुग शायद आगे होगा या जो भी है। यहाँ पर तो वो ये कह रही हैं, देवी माँ ये कह रही हैं, अपने पिछले जन्मों के बारे में बता रही हैं कि गायत्री भी वही थी, मतलब सरस्वती माँ ही गायत्री थी और सरस्वती भी वही थी। और उनका मतलब ये दुर्गा के ही नवरूप है। और जो ब्रह्मा है वो उन्होंने पहले जो सोल साइकिल थी वो उन्होंने पहला उनको विजन आया था। तो वो पहले वैदिक मंत्र या गायत्री मंत्र द्वारा उन्होंने जो रिचुअल या जो हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं उसमें उन्होंने वो शुरू करवाए थे। और फिर गायत्री मतलब जो मेरी मतलब एक इनकार्नेशन था गायत्री, वो उसके साथ उन्होंने जो रिचुअल्स, धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म में, वो उन्होंने ब्रह्मा जी ने शुरुआत कराई थी। तो तब वो कहती हैं कि तो वो ये फिर आनंद करुणेय जी, क्योंकि हमने ब्रह्मा और मतलब सरस्वती का कुछ इस तरह से सुन रखा है कि उन पर दोषारोपण हुआ था या उनको पाप लगा था इस तरह से। तो वो देवी ये कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने, इट वाज नॉट विथ एंगर बट अ बाउंडलेस पैशन विथ दैट अरोज फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ माय एंगर। माय वर्ड्स आल्सो टॉट द मासेस, स्पेशली वुमेन, टू स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट्स। फॉर हैड आई नॉट स्पोकन दैट मेनी मैनर ऑफ गॉडेसेस वुड हैव नॉट बीन Have would I have been to not say anything? खैर, मतलब वो अपने जो ब्रह्मा जी के साथ उनकी अनबन सी हुई थी या उनका कुछ वो कुछ उन्होंने कुछ कहा था, इसके बारे में मुझे कुछ इतनी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस जन्म में जब वो ब्रह्मा जी के साथ थी तो उसके बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है कि वो फिर एक किस्म से वो उन्होंने कुछ बातें कही जो कि बाद में उनको ऐसे लगा कि ब्रह्मा जी के तरफ उनका जो रिश्ता है वो सही नहीं रहा, या कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर कर रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक किस्म से कर्स दिया कि वो मतलब छुप जाएं, और इस तरह की ये कहानी यहाँ पर कह रही है। तो जो वेदांत है वो तब देर में बाकी समय आया, और फिर जब उसका समय आया तब वो वेदांत हमारे सामने खुलने लगा। तो वेदांत के जो भी मतलब जो भी ज्ञान था वो खुलने लगा। तो टीचिंग जो भी मतलब पढ़ा, जो रिचुअल्स हो चाहे वो वेदांत में हो या जो कर्म के रिचुअल्स हैं, वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, परत दर परत खुलते जा रहे हैं। ये वो देवी माँ अपने उत्तर में ये देती बताती हैं। वो देवी माँ ये कहती हैं कि क्या आपका मतलब, ये आनंद करुणेश जी बोलते हैं कि क्या आपका जो उस समय का गुस्सा था, उस युग में जो भी गुस्सा था, वो क्या फिर मतलब उससे क्या आप एनलाइटन हुई? तो वो देवी माँ ये कहती हैं कि या आई वॉज एनलाइटेंड ऑलरेडी, हैड 6 चक्रास ओपन व्हेन दिस अकर्ड। मतलब जब उनका गुस्सा बाहर आया या जब भी उनका पैशन बाहर आया तो तब वो उनके 6वें चक्र खुल चुके थे। और हम उसके जो 7th चक्र को खोलने के लिए जो भी था वो उसमें गायत्री
मंत्र या गायत्री का जो भी इंकारनेशन था उसने वहां पर वो कंप्लीट किया, और गायत्री और जो सरस्वती थी वो मिले, तब वो हम कंप्लीट हो गए, या वो सांत्वन चक्र एक किस्म से ओपन हो गया। सो डिड द टू ऑफ यू बिकम वन इन दैट मोमेंट आफ्टर योर एक्सेंशन? तो और यू आर स्टिल डो, तो गायत्री और सरस्वती दो हैं या एक हैं? तो वो बोलती है कि वो दो भी हैं और एक भी है। तो ये मेरे मतलब कम से कम हमारी समझ से तो बाहर है, पर जो भी मतलब गुस्से, जो भी 6 चक्र के बाद भी गुस्सा या कुछ कहने का जो भी उनका एक प्रकरण हुआ, तो उसके बाद भी वो उनका एक्सटेंशन हुआ, ये देवी बताती है। तो आनंद जी फिर वो बताने लगते हैं कि ग्रीन तारा और व्हाइट तारा, जो बुद्धिस्ट में जो देवियों के नाम है व्हाइट तारा और बुद्ध तारा, व्हाइट तारा ग्रीन तारा, ये आपने नाम सुने होंगे अगर आपने बुद्धिस्ट के कुछ कहानियां सुनी हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो अलोकितेश्वर की जो कहानी है बोधिसत्व, वो कहानी से मिलती जुलती है आपकी और गायत्री की कहानी। तो वो फिर देवी माँ हंसने लगती हैं, और फिर ये कहने लगती हैं कि कंपैशन कैन नॉट बी रियलाइज इफ द ईगो आइदर रिप्रेसेस द इमोशन ऑफ सैडनेस और अटैच इटसेल्फ टू इट। अर्थात कि हमारा जो कंपैशन मतलब तो हम मतलब सैडनेस, कंपैशन और सैडनेस एक किस्म से ऑपोजिट ऑपोजिट हैं, और हम ना तो उससे बिल्कुल अटैच रहें ना उसको एकदम नकार दें। तो हम नकारें या उससे अटैच रहें, दोनों में ही फिर हम कंपैशनेट नहीं हो पाएंगे और हमारा ईगो बढ़ा रहेगा। तो ईगो बढ़ा के हम ना मतलब ना पैशन को कम करके ना उसको अस्वीकार करके, दोनों ही तरीके से हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, या कंपैशन को उस के साथ मिल नहीं सकते, कंपैशन ला नहीं सकते, उनका अर्थ ये है। तो वो ये पूरा इतने 3 पैराग्राफ्स में ये वो समझा रही हैं कि हमें अगर पैशन, पैशन अर्थात कि कोई रौद्र रूप, या पैशन जो हम समझते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती की जो कहानी है कि उनका मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप या इस तरह से पैशनेट था, तो वो भी जो रेजिडुअल ईगो है या रेजिडुअल इस तरह के पैशन है उसका भी एक किस्म से डिसोल्यूशन होगा, तभी फुल्ली हाँ एक्सटेंशन कोई भी सोल को प्राप्त होता है। तो सिर्फ नॉलेज से ही नहीं, सिर्फ मेंटल स्टेट को ही डिसॉल्व करके नहीं, सिर्फ इमोशन को ही डिसॉल्व करके नहीं, बल्कि एक-एक जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि हमें कोई भी चीज को एग्जैक्टली नहीं देख पा रहे हैं या क्लियर वाटर में हम नहीं तैर पा रहे हैं, उन सभी को एक कसम से नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिलकर डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब उनका एसेंशन होता है। तो इस तरह ये एसेंशन की कहानियां हो रही हैं। तो हमें और कंट्रास्ट की भी कहानियां काफी हो रही हैं, तो बताई जा रही हैं कि लक्ष्मी और विष्णु ने अपने इनकार्नेशन में अपने जो उनका जो हम ये तो पढ़ चुके हैं कि उन्होंने सेपरेशन देखी, और फिर उन्होंने कंट्रास्ट देखा, और फिर वो एम्प्टीनेस तक पहुंच पाए। तो कंट्रास्ट और डुअलिटी के बारे में भी और कुछ और भी ज्यादा बताया जा रहा है, फेमिनिन आर्केटाइप और मैस्कुलिन आर्केटाइप, जो कि मैंने थोड़ा सार में ही बता दिया, उसके बारे में भी यहाँ पर देवी और विस्तार से मतलब एक पूरा पैराग्राफ में बता रही हैं, 5th चैप्टर के लास्ट में ये बता रही हैं कि किस तरह से एम्पावर्ड मैस्कुलिनिटी और एम्पावर्ड फेमिनिटी दोनों ही, यानी कि जो अंदर इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, जो वूंडेड ना हो और स्प्लिट ना हो, यानी कि सिर्फ इन्वेंशन की तरफ ना जाए और सिर्फ इंट्रोवर्ट ही ना हो, इस तरह की डिवाइन या एम्पावर्ड फेमिनिन और एम्पावर्ड मैस्कुलिनिटी अब अर्थ पे अब मतलब अर्थ वाले उसके लिए खुल रहे हैं या खुलते रहेंगे, ये हमें खुलना चाहिए। इस तरह के ये 5th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू मास्टर्स, मैंने थोड़ा बहुत अपना सार बताया, और ये भी बताया कि 4th और 5th चैप्टर में किस तरह से देवी माँ हमें इमोशंस के साथ
एक किस्म से बैलेंस्ड व्यू बनाने की बता रही हैं, और दो तीन तरीके उन्होंने बताए, ज्ञान से इमोशंस को फुली फील करके, और मंत्र से, ध्यान से अपने ब्रेथ में फील करके इमोशंस को डिसॉल्व करने की बात हो रही है। तो बहुत बहुत थैंक यू, मैंने काफी देर ले लिया, बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी। थैंक यू थैंक थैंक यू अनुराधा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और मैं ये देख रही हूँ, वैसे जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स है ना, उसमें हमारा एक तरह से वही सारा रिवीजन हो रहा है जो पत्री जी ने और डॉक्टर जी के सर ने अपनी टैबलेट्स के थ्रू बताया। जैसे आज आपने बहुत अच्छा समझा दिया फिर से कि फियर इज ऑपोजिट टू लव। अगर फियर रहेगा तो कंपैशन आनी, मतलब फियर और ईगो रहेंगे तो कंपैशन नहीं आ पाएगी। तो नहीं हमें वी हैव टू वर्क ऑन दीज टू नेगेटिव क्वालिटीज। और जो आपने बताया कि धर्म का, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि हर चीज में फेथ बहुत जरूरी है। तभी हम, जैसे मेडिटेशन में भी हमें कहते हैं ना कि विश्वास रखो, तो धर्म का विश्वास क्यों चेंज, क्यों डोल गया, क्यों डगमगा गया? क्योंकि मतलब जैसे आप बता रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जो पहले था, जो ओरिजिनलिटी थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। मतलब हर किसी ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। और अब जो है, लोग उस धर्म को मतलब उतनी श्रद्धा से नहीं ले पा रहे, क्योंकि जैसे जैसे रियलिटी ओपन होती जाती है ना कि ये था और ये चेंज कर दिया गया, तो वो भी अब हमें समझ आता जा रहा है। और ईगो एक ऐसा बैरियर है जो कंपैशन नहीं आने देता। एंड इट्स रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदलेन मैम, विनीता जी, मंजू जी, आप, रीता जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हैप्पी दिवाली। ये पटाखे फूटते ही जा रहे हैं मेरे, अभी भी एक